दोस्तों चलिए जानते हैं, पीएम मोदी जो है दोस्तों गए हैं यूएस के अंदर। दोस्तों तो यूएस के अंदर गए तो उधर क्या क्या डील्स हुई, क्या अचीव हुआ और दोस्तों नेगेटिव रिएक्शन और कंक्लूजन क्या निकला, आज की वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है वान और मैं हूँ 9 साल का। तो दोस्तों जो है पहला पॉइंट है कि मतलब किन किन से जो है मोदी जी मिले। तो दोस्तों जो है चाहे आपका जो बाइडन से लेकर सुंदर पिचाई हो या फिर आपका इलोन मस्क को दोस्तों सबसे मिले हैं दोस्तों। और इलोन मस्क ने तो ये तक बोल दिया कि जो है मतलब मेरे जो हेड है, जो मतलब मैं जिनको मानता हूँ, वो मोदी जी है दोस्तों। और उन्होंने ये भी बोला है कि टेस्ला जल्दी आएगी इंडिया के अंदर। सुंदर पिचाई ने जो है एक बहुत ही खतरनाक जो है स्टेटमेंट दिया है। वो क्या है स्टेटमेंट? तो दोस्तों स्टेटमेंट है कि इंडिया दोस्तों जो है एक एआई की मतलब एआई की तरफ जो है मुरझा रहा है दोस्तों, जिस वजह से जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी इंडिया के अंदर अभी कुछ सालों में दोस्तों। और दोस्तों जो है ऐसी सब स्टेट डिनर हुआ दोस्तों, और 1000 लोगों के सामने जो है पीएम मोदी सर ने दोस्तों जो है स्पीच भी दी दोस्तों। और जैसे कि आपको मालूम है, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पीच दी उन्होंने कि एआई, तो दोस्तों जो है एआई जो है बहुत बढ़ने वाला है। एआई मतलब अमेरिका और इंडिया दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं आगे। और दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एआई रहता है दोस्तों, वो भी बहुत बढ़ने वाला है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो दोस्तों जो है अभी चलिए जानते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है कि क्या अचीव करा है। तो दोस्तों अचीव ये करा है कि जैसे कि आपका जीई, जैसे कि मैंने आपको बताया था GEF-414 इंजन दोस्तों जो है इसकी डील हुई, जिस वजह से जो हमारा MK2 तेजस मार्क 2 है दोस्तों, वो जो है अच्छी तरह एडवांस हो पाएगा दोस्तों और ज़्यादा लाइट कॉम्बैट हो पाएगा। और फिर उसके बाद दोस्तों जो है नेक्स्ट चीज़ है कि GE ड्रोन दोस्तों, तो ड्रोन के साथ और फिर जो है आपका सेमीकंडक्टर हो गए, एआई के अंदर हो गया, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गई और दोस्तों जो एजुकेशन हो गई, इसके ऊपर दोस्तों जो काम करा जा रहा है। और अलग अलग बिजनेसेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए, 58 से भी ज़्यादा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट डील करी गई, बिजनेस के ऊपर 35 से ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट्स की डील करी गई है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों इसका मतलब ऐसा बोला जाता है, इस दुनिया में रूल है कि किसी का पॉजिटिव जो है रिएक्शन रहता है पर किसी का नेगेटिव रिएक्शन। तो दोस्तों इसका नेगेटिव रिएक्शन क्या है, किसी ने दोस्तों जो है इंडिया का मजाक उड़ाया, किसी ने जो है पीएम मोदी का मजाक उड़ाया कि वो नंबर वन ट्रैवलर है दोस्तों इस दुनिया के, ऐसे जो है मजाक उड़ाया दोस्तों। पर दोस्तों जो है नेगेटिव रिएक्शंस करे अमेरिकन लोगों ने। पर दोस्तों जो है मतलब एक टाइम का था यूएसए जो कि बोलता था कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, और अभी का यूएसए देखो, जो बाइडन बोल रहा है कि अभी जो है सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक देश इंडिया है। कितना चेंज हो गया दोस्तों। तो जो है ये इंडियन पॉलिटिक्स है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो है फोर्थ चीज़ है और लास्ट चीज़ है कंक्लूजन। तो दोस्तों कंक्लूजन में से कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब कोई मतलब कुछ भी कर लो, मतलब किसी को पीएम मोदी अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते, वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके जो है थॉट प्रोसेस अलग रहता है। पर दोस्तों जो है कोई अगर मोदी जी पे जाते 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 जो है इंडिया को एक ख़राब बता दे, तो दोस्तों जो है वो सेकंड चैप्टर के खिलाफ है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों जो है आज का वीडियो आपको कैसे लगा बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो है मैं अभी लेटेस्टली जो है परसों ही 9 साल का हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।